तो कैसे हैं आप लोग, बढ़िया होंगे दोस्तों। मुझे पता है कि आज का बैकग्राउंड थोड़ा अलग है, तो लाइफ में थोड़ा चेंज तो मांगता है ना दोस्तों। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेक से आप लोगों को रूबरू कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आज का वीडियो भी टेक न्यूज में होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बताने वाला हूं, क्योंकि ये आपकी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी से रिलेटेड है। तो लास्ट तक जरूर से देखिएगा इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज से। Realme अपना फोन लॉन्च करेगा, Realme Narzo, जो कि एक बहुत ज्यादा हाइप्ड फोन है। सितंबर फर्स्ट वीक में इसका टीजर दिया गया था और अब ये लॉन्च होगा आज 12:30 बजे। और अगर आपको जाके चेकआउट करना है तो ये लाइव स्ट्रीम भी होगा 12:30 बजे इसकी लॉन्चिंग। एंड आपको मैं बताता हूँ, ये ट्विटर, फेसबुक एंड यूट्यूब पे इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। ये 3 फोन लॉन्च करने वाला है, Realme Narzo 20 Pro, Realme Narzo 20A एंड Realme Narzo 20। अगर आप लोग को पता नहीं है तो Realme के जो Narzo सीरीज थी, ये बजट एंट्री फोन में बहुत ज़्यादा तगड़े स्पेसिफिकेशन के साथ ये फ़ोन आते हैं सारे। एंड ये फ़ोन ऑलमोस्ट 8,000 से 15,000 के आसपास लॉन्च होंगे, ये तीनों जो फ़ोन आने वाले हैं। स्पेसिफिकेशंस आप लोग देख सकते हो, इधर स्पेसिफिकेशन आ रही होगी। 3 फ़ोन है, मैं तीनों फ़ोन की स्पेसिफिकेशन नहीं बताने वाला हूँ, आप इधर तीनों फ़ोन की स्पेसिफिकेशन आप लोग देख सकते हो। तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कोरोना और इस पेंडेमिक में वैक्सीन तो बनने से ही तो लोग अपने से ही ट्राई कर रहे हैं। एंड अभी सिंगापुर ने एक ऐसा ट्रैकिंग डिवाइस निकाला है जो आपकी लोकेशन को ट्रैक करता है, आपको बताता है कि आप कहाँ पर हो, आप कितनी बार कितने लोगों से मिले। एक इतना छोटा सा डिवाइस है एंड ये ब्लूटूथ पे वर्क करता है। तो सपोज करो इफ़ कोई पर्सन को कोविड हो गया है तो उसे सिंगापुर की गवर्नमेंट से ये ट्रैकिंग डिवाइस लेना मैंडेटरी है। एंड उसके बाद फिर ये आपको पता है कि आप कितनी बार कितने लोग से मिले, कितनी देर तक मिले, ये काम कैसे करता है। आप इसको अगर लेके कहीं बाहर जाते हो तो ये दूसरे डिवाइसेस से कनेक्शन एक्सचेंज करता है। और सिंगापुर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप के ये दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए ये आपको बताएगा कि आप कितनी बार कितने लोगों से मिले हैं, कितनी देर तक के लिए मिले हैं। इसके पीछे बस रीज़न यही है कि पता लगाना है कि जो कोरोना हुआ है वो किस पर्सन से हुआ है एंड ये कहाँ तक फैला है, वो पर्सन कितने लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में आया है। तो धीमे धीमे इस पेंडेमिक के टाइम पे या फिर इस कोरोना कोविड-19 के टाइम पे वैक्सीन तो बनने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे इन्वेंशन ही हुए जा रहे हैं ताकि हम अपने आप को बचा सकें इस बीमारी से। आप लोग भी दोस्तों सावधान रहें और सतर्क रहें, मास्क वास्क बाहर लगा कर निकलें, लापरवाही करने का ये सही टाइम नहीं है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा कि पेटीएम को हटा दिया गया था गूगल प्ले स्टोर से, और रीज़न ये था कि उसने गूगल की गैम्बलिंग पॉलिसी को वायलेट किया था। लेकिन अब पेटीएम की तरफ से आंसर आ रहा है कि इन्होंने कोई भी जो काम किया था ये इलीगल नहीं था, गूगल बस इनकी लेग पुलिंग या फिर आप कह सकते हो आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है। पेटीएम ने यह बोला है कि गूगल पे पे एक ऐसा ही कॉन्टेस्ट था तेज शॉट के नाम से, और इसमें भी आप अगर जितने स्कोर बनाते हो और उसके हिसाब से आपको स्क्रैच कार्ड वगैरह मिलते हैं, कूपन वगैरह मिलते हैं। लेकिन गूगल की जो पॉलिसी है वो उनके खुद के ऐप पे नहीं लगती है, ये दूसरों के ऐप पे ही लगती है। और इस तेज शॉट गेम में ये भी ऑफर है कि अगर आप इसे खेलते हो बहुत ज़्यादा तो आपको 1,00,000 रुपये तक का स्क्रैच कार्ड मिलने वाला है। तो क्या है, ये गैम्बलिंग पॉलिसी में नहीं आता है, गूगल अपनी गैम्बलिंग पॉलिसी में इसको इंक्लूड नहीं करने वाला है। तो पेटीएम का बस यही सेम क्वेश्चन था कि उनको आर्म ट्विस्टिंग करी जा रही है, उनकी लेग पुलिंग करी जा रही है, जबरदस्ती का स्कोल्ड किया जा रहा है। जो पेटीएम का कॉन्टेस्ट था स्क्रैच कार्ड कलेक्ट करके फिर उसके बाद यूपीआई पेमेंट कुछ करने वाला, मुझे इतना आइडिया नहीं है, उसमें कुछ ऐसा इलीगल वर्क नहीं हो रहा था। और अगर देखा जाए तो गूगल प्ले स्टोर भी साथ वही काम कर रही है, लेकिन अपने ऐप पे वो पॉलिसी को अप्लाई नहीं कर रही है। गूगल ने अभी इस रिप्लाई पे कोई भी कमेंट नहीं किया है, हो सकता है बाद में कमेंट करे। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले टाइम पे क्या बहसबाजी होने वाली है। तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। दोस्तों फेसबुक और Ray-Ban ने हाथ मिला लिया है ताकि एक स्मार्ट ग्लास बना सकें, और इसके पीछे फेसबुक ने रीज़न ये दिया है कि जो यूज़र यूज़ करेगा उस स्मार्ट ग्लास को वो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ कनेक्टेड रहे। तो हो सकता है कि इस स्मार्ट ग्लास में आपको फेसबुक इंस्टॉल्ड मिले, आप ऐसे फेसबुक चला सकते हो, यहाँ पर डिस्प्ले में आ रहा हो, जैसे कोई आप आयरन मैन वाला जैसे हेलमेट पहने उसके अंदर साइड डिस्प्ले आती है, ऐसा कुछ हो सकता है। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि गूगल ने अपना स्मार्ट ग्लास बनाया था लेकिन वो कमर्शियल अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ ड्रॉबैक है, कुछ इसके कॉन्स हैं, कुछ प्रोज हैं। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, और बहुत सारे टेक जायंट ने एक साथ कोलैबोरेट करने के बाद ऐसे स्मार्ट ग्लासेस बनाने की कोशिश की लेकिन अभी तक बना नहीं पाए। तो देखते हैं क्या फेसबुक बना पाएगा Ray-Ban के साथ कोलैबोरेट करके एक स्मार्ट ग्लास। अभी के लिए बस इतनी ही न्यूज़ पता चली है, और जो कंफर्मेशन आएगा वो नेक्स्ट ईयर आने वाला है कि प्राइस क्या होने वाली है, स्पेसिफिकेशन क्या होने वाली है और कैसा होने वाला है ये ग्लास। तो बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया लेकिन अनसक्सेसफुल रहे, यहाँ तक कि गूगल ने भी, क्योंकि प्राइवेसी कंसर्न वगैरह कुछ आ गया था। देखते हैं ये ग्लास कैसा होने वाला है दोस्तों, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। Xiaomi लॉन्च कर रहा है अपना Mi Band 5, Mi Band 4 तो सक्सेसफुल था ही। और दोस्तों साथ में एक और न्यूज़ आ रही है कि ये एक अपनी स्मार्ट वॉच भी लॉन्च करेगा। अभी चाइना में Xiaomi ने एक स्मार्ट वॉच लॉन्च किया था जो कि 5,500-6,000 रुपए के आसपास थी, तो हो सकता है ये वैसी मिलती जुलती एक स्मार्ट वॉच लॉन्च करें। एंड अभी एक टीजर के अकॉर्डिंग ये स्मार्ट वॉच राउंड डायल में होने वाली है, आप लोग फोटो में देख सकते होगे। एंड इन्होंने ट्वीट भी किया था वेट टिल यू सी मी, तो हो सकता है इसका नाम Mi Watch SE के नाम से हो। तो देखते हैं ये कैसी होने वाली है। स्पेसिफिकेशन अभी कुछ रिवील्ड नहीं है। 29 सितंबर को ये लॉन्च करने वाले हैं, तो देखते हैं क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है। प्राइस वगैरह यही 6,500-7,000 के आसपास हो सकती है, क्योंकि चाइना में ये इतनी की ही लॉन्च हुई है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। दोस्तों एक ऐसा ऐप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहती है कि आप उसे डाउनलोड करें। मैं बैन एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो 118 एप्लीकेशन बैन हुए थे PUBG के साथ। मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीमीटर ऐप की। ट्विटर का पेज जो साइबर दोस्त है, इसने ट्वीट किया है कि जो ऑक्सीमीटर ऐप है ये बहुत सारे इंटरनेट की साइट पे मिल रहा है, और इसका काम ये है कि आपके शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है ये बताता है, ब्लड प्रेशर वगैरह बताता है। तो वहाँ से जाके डाउनलोड नहीं करें, ऑफिशियल साइट से ही जाके डाउनलोड करें या फिर प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करें। अगर आपने वहाँ से जाके इस एप्लीकेशन को या फिर कोई भी फेक URL पे क्लिक करके इसको डाउनलोड किया तो आपकी डेटा चली जाएगी, आपकी फ़ोटो को एक्सेस हो जाएगा, यहाँ तक कि आपके बायोमेट्रिक मतलब फिंगरप्रिंट का भी एक्सेस इस एप्लीकेशन को मिल जा रहा है। एंड आप लोग ट्वीट में पढ़ सकते होंगे कि फेक ऑक्सीमीटर ऐप जो है वो इंटरनेट पे लिंक के फॉर्म में डाले जा रहे हैं, जो कि खतरनाक है। तो ऐसी लिंक को कृपया करके ना खोले। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगी मुझे, मैंने सोचा कि आप लोग को बताया जाए, क्योंकि प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ये मैं हर बार अपनी वीडियो में बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ की। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय। दोस्तों एक बात मैं आपको भूल गया बताना कि नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को, इधर आ रहा होगा, कंफ्यूज अभी भी नहीं हूँ मैं, दबा देना यार, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। और अगर घंटी का बटन दबा दोगे तो कोई भी मेरा नया वीडियो आप लोग के पास तुरंत पहुंच जाने वाला है। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर की। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टाटा।